बोकारो की माराफारी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर के साथ आज संयुक्त रूप से झोपड़ी कॉलोनी स्थित सुनीता मेडिकल में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों को जब्त किया। इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर और माराफारी थाना प्रभारी ने मौके से 190 बोतल ओनिक्स सिरप, 200 पत्ते निट्रोसन कैपकेट को जब्त किया। थाना प्रभारी ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि दवाई दुकान में प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री की जा रही है, इसी आधार पर छापेमारी कर दवाइयों को जब्त किया गया। कुछ टैबलेट्स हैं जिसका नाम एंटेन कहा जाता है, इसको जो भी ब्रांड है इसको भी जो है ये बेच रहे हैं गुपचुप तरीके से। इसका हमने अपना सत्यापन किया, सही पाया। इसके बाद हमने एक पुलिस टीम का गठन किया और ये सारे जो जितने भी विधिवत जब्त हुए हैं सारे ड्रग इंस्पेक्टर के गाइडलाइंस में ही जब्त हुए हैं, उन्हीं के समक्ष जब्त हुए हैं। और इसमें हम लोग ने जो संचालन करता है सुनीता मेडिकल स्टोर के, उनको भी हमने यहाँ थाना में लाए हुए हैं और आगे जो है विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए इसमें हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि जो दवाई दुकान में जब्त की गई है वो सभी प्रतिबंधित हैं, लेकिन चिकित्सक के लिखने पर ये दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं। दुकान में स्टॉक की बाध्यता है, इसकी जांच की जा रही है कि ये दोनों ही मेडिसिन है, बट इनका क्वांटिटी जो है फिक्स किया गया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत में। और पहले अभी तो ये वेरीफाई किया जाना होगा कि कितना क्वांटिटी है, क्योंकि थाना इंचार्ज के द्वारा अभी बताया गया है कि ये दवाइयाँ जो है जब्त की गई, तो जब तक बिना जाँच पड़ताल न किया जा सके तो इसमें कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो जो मेडिकल हॉल से ये दवा पाया गया है पहले उनका ड्रग लाइसेंस देखा जाएगा, लास्ट रिन्यूअल है कि नहीं है, ये दवाइयाँ उनके पास से जब्त की गई हैं तो उनका बिल प्रॉपर उनके पास है कि नहीं है उनसे मांग किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। नहीं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाइयाँ नहीं दी जानी चाहिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।